एक आश्चर्यजनक कहानी और एक बड़ी घटना जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले घटी थी। इस कहानी का आरंभ ऐसे हुआ कि हबशा अर्थात सूडान के राजा की ओर से नियुक्त यमन के गवर्नर अबरहा अल अशरम ने सनआ अर्थात यमन में एक चर्च बनाने का निर्णय किया, ताकि अरब वासियों को अल्लाह के पवित्र घर का हज के बजाय इस चर्च का हज करने का निमंत्रण दे। इसके द्वारा उसका इरादा व्यापार एवं कमाई को मक्का से यमन की ओर मोड़ना था। अबरहा ने इस मामले को हबशा अर्थात इथोपिया के राजा के सामने पेश किया। उसने सहमति जताई तथा इससे प्रसन्न हुआ। अतः उसने बड़े विशाल आकार का चर्च बनाया तथा इसका नाम पुल्लैस रखा। अबरहा के इस कृत्य से क्रोधित होकर एक कुरैशी व्यक्ति आया तथा उसने उसमें पाखाना कर दिया और उसकी दीवारों को उस अशुद्ध मैले से लेप दिया और चला गया। अबरहा ने जब चर्च की दशा देखी तो बड़ा क्रोधित हुआ और मक्का पर आक्रमण करने और काबा को ध्वस्त करने के लिए एक सेना तैयार की। उसके साथ 13 हाथी थे। इनमें महमूद नाम का एक हाथी भी शामिल था जो सबसे बड़ा था। वे मक्का की ओर चल पड़े। अरब का जो भी कबीला उसके सामने आया, अबरहा ने उससे युद्ध करके उसे पराजित कर दिया। यहां तक कि ये लोग मक्का पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसके बीच तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा एवं मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के बीच बातचीत शुरू हुई। इस बात पर समझौता हुआ कि अबरहा अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों को लौटा दे, फिर काबा के साथ वह जो चाहे करे। अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का के पुरुषों को नगर छोड़ने और अपनी महिलाओं और बच्चों के साथ पहाड़ों की चोटियों में चले जाने का आदेश दिया, इस भय से कि कहीं यह अत्याचारी युद्धोन्मादी सेना उस पर अत्याचार न करे। अबरहा की दमनकारी सेना वहां से आगे बढ़ी, यहां तक कि मुहस्सिर नामक वादी में पहुंची। सेना बीच वादी में चल रही थी कि अचानक पक्षियों का झुंड उस पर चना तथा मसूर के आकार का पत्थर बरसाने लगा। सेना के किसी व्यक्ति पर जैसे ही पत्थर पड़ता, वह पिघल जाता तथा उसका मांस कटकर गिरने लगता। यहां तक कि सभी लोग मारे गए। अबरहा वहां से इस स्थिति में भागा कि उसके शरीर का मांस कटकर गिर रहा था। अंततः रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। यह सर्वशक्तिमान अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थी तथा अपने पवित्र स्थान अर्थात मक्का के निवासियों और अपने घर के रक्षकों के लिए उसकी सहायता थी। और यह अल्लाह की नेमतों अर्थात अनुग्रहों में से एक नेमत थी जिसका एहसान अल्लाह ने कुरैश वालों पर जताया। अल्लाह ताला का फरमान है, अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.